हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ क्रेज चैनल में आप सबको स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख लिया है 8 से 9 साल बच्चे के लिए सैरी में अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर चोली बनाएंगे। इस तरह सैरी की पल्लू में हम चोली बनाएंगे। ये सैरी की पल्लू है। साड़ी में हम लहंगा बना लिया है और ये साड़ी की पल्लू है। पहले हम आस्तीन पे कटिंग करेंगे। आस्तीन को मैंने डबल फोल्ड किया है। पहले हम पीछे पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। 8 से 9 साल बच्चे के लिए छाती है 6 इंचेस, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। टोटली हम छाती को 8 इंच पे मार्क करेंगे। 8 इंच पे हम आस्तीन को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद चोली की लेंथ 24 इंचेस चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। चोली के नीचे फोल्डिंग आता है और ऊपर शोल्डर में 1/2 इंच जाएगी। टोटली मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, 26 इंचेस रखा है। इसके बाद गला है 2 इंचेस और शोल्डर है 3.5 इंचेस। ये स्लीवलेस चोली है, इसके लिए हम शोल्डर थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं 3.5 इंचेस। गला की लेंथ है 4.5 इंचेस और आर्मोल्ड है 5 इंचेस। आर्मोल्ड को हम 1.5 इंच पे राउंड शेप दे देंगे क्योंकि हम आगे पीछे पार्ट के लिए कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद मैंने वी शेप दे दिया है गले में। इसके बाद छाती के लिए एक 6 इंच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेम कुर्ती की तरह। इसके बाद कमर के लिए 10 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हिप के लिए 14 इंच पे मार्क करेंगे। छाती है 6 इंचेस, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर है 5.5 इंचेस, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 7.5 इंच। टोटली कमर है 7.5 इंचेस। इसके बाद हिप की लाइन है 6.5 इंचेस, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। टोटली हम 8.5 इंच पे हिप की लाइन को ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हम फिटिंग की लाइन को और मार्जिन की लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह। इसके बाद नीचे साइड कट आएगी, हिप की लाइन से नीचे हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे साइड कट आएगी चोली की। अभी हम इसको कट कर देंगे। मैंने गला को वी शेप में कट कर दिया है। इसके बाद हम आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे पार्ट में सेंटर में कट आएगी इस चोली में, सेंटर में और दोनों साइड में कट आएगी। इसके लिए हम आगे पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। पहले हम आगे पार्ट की 1 साइड को निकाल देंगे। इसके बाद दूसरी साइड को निकाल देंगे। इस तरह 1 इंच पे मार्क करेंगे और सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर से 26 इंच तक। इसके बाद 1 इंच को छोड़ के बैक पार्ट को इस तरह रखेंगे। इस 1 इंच पे हम फ्रंट की कट को सिला देंगे। अभी हमने आगे पार्ट की 1 साइड को निकाल दिया है। दूसरी साइड को अभी हमें
निकालना है मेनिंग पे। इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरह डबल फोल्ड करके फ्रंट पार्ट में कट बना लेंगे, फ्रंट कट को बना लेंगे चोली में। और आगे पार्ट के लिए एक इंच पे आर्मोल को कट कर देंगे। वन साइड अभी रेडी है, इसके बाद दूसरी साइड को हम कट कर देंगे। आपके पास लाइनिंग के कपड़े ज़्यादा है तो दोनों साइड्स को भी एक ही साथ कट कर दीजिए। मेरे पास कम है, इसके लिए मैंने अलग अलग कट कर दिया है। लाइनिंग पे चोली की कटिंग अभी पूरा हो चुका है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर चोली की कटिंग करेंगे। साड़ी के पल्लू में हम इस टॉप को बना रहे हैं। पहले हम पल्लू को कट करके निकाल देंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। पहले हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। ये चोली की बैक पार्ट है। इसके बाद हम आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। दोनों पार्ट्स को हम एक ही साथ कट कर देंगे। अभी मेन फैब्रिक के ऊपर चोली की कटिंग अभी पूरा हो चुका है। अभी हम इसको सेंटर पे कट कर देंगे। आगे पार्ट को सेंटर में कट कर देंगे क्योंकि हमें आगे पार्ट में सेंटर में कट बनाना है। इस चोली में 3 कट्स आएगी, दोनों साइड कट्स और फ्रंट कट भी आएगी। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अभी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। पहले हम आगे पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। मेन फैब्रिक को सीधा रख दिया है, इसके ऊपर लाइनिंग के कपड़े को रखेंगे। आगे पार्ट की लेफ्ट और राइट साइड को देख के हमें सिलाई करना है। दोनों एक ही साइड की ना हो जाए, इसके लिए हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड को अच्छे से देख के स्टिच करना है। हमने नेक पे सिलाई कर दिया है, अभी हम इसको उल्टा करेंगे। अभी और टॉप स्टिच डाल देंगे। अभी मैं राइट साइड की स्टिचिंग कर रही हूँ, आगे पार्ट में राइट साइड की, और नेक में डबल स्टिच डाल लेंगे। इसके बाद हमने आगे पार्ट में फ्रंट कट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और स्टिच डाल देंगे। ऐसे फोल्ड करके स्टिच डाल देंगे। नेक से पूरे नीचे तक हमने इस तरह फोल्ड करके स्टिच डाल दिया है और एक लेंथ स्टिच डाल दिया है मैंने। इसके बाद इस तरह मैंने आगे पार्ट की राइट साइड को स्टिच कर दिया है। ऐसे ही हम लेफ्ट साइड को भी स्टिच करना है हमें।
मैंने लेफ़्ट साइड को भी स्टिच कर दिया है। ये राइट साइड का है और ये लेफ़्ट साइड का है। ये देखिए, ये राइट साइड का है फ्रंट पार्ट की और ये लेफ़्ट साइड का है। इसके बाद हम पीछे पार्ट को स्टिच कर देंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और नेक में सिलाई करेंगे। मैंने आगे और पीछे दोनों पार्ट्स में वी शेप दे दिया है नेक पे। आप किसी भी शेप दे सकते हो। अभी हम इसको उल्टा करके टॉप स्टिच डाल देंगे नेक में। इस तरह मैंने पीछे पार्ट को भी रेडी कर दिया है। इसके बाद आगे पार्ट की दोनों साइड्स को जॉइंट करने के लिए हमें एक पट्टी को रेडी करना है। इसके लिए मैंने लाइनिंग की पट्टी लिया है। ये 2 इंच की पट्टी है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच डाल दिया है। अभी हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद पट्टी की दोनों साइड में स्टिच डाल देंगे। इस तरह सीधा करके हमें स्टिच डालना है। इस तरह हमें पट्टी की दोनों साइड में स्टिच डालना है। अभी पट्टी रेडी हो चुका है। पट्टी को ऊपर की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और वन साइड में हम आगे पार्ट की वन साइड को पट्टी की वन साइड हम आगे पार्ट की वन साइड को रखेंगे इस तरह और स्टिच डाल देंगे। इस पट्टी को हम टॉप की नेक से हिप लाइन तक जॉइंट कर देंगे। ये हिप की लाइन है, यहाँ तक हम जॉइंट कर देंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे। नीचे साइड भी हमें फोल्ड करना है, थोड़ा आधा इंच तक छोड़ के हमें कट करना है। मैंने नीचे भी पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच डाल दिया है। ये देखिए, पट्टी को हमने जॉइंट कर दिया है। दूसरी पार्ट को हम जॉइंट कर देंगे पट्टी के ऊपर। इस तरह मैंने आगे पार्ट की दोनों साइड्स को पट्टी के ऊपर जॉइंट कर दिया है। और एक एक लाइन स्टिच डाल देंगे मजबूत के लिए। ये देखिए, फ्रंट पार्ट में हमने पट्टी लगा दिया है और नीचे ओपन रख दिया है। हमने आगे पार्ट में इस तरह ओपन रख दिया है। आगे और पीछे दोनों पार्ट सभी रेडी हो चुका है। आगे पार्ट के ऊपर पीछे पार्ट को इस तरह रखेंगे और शोल्डर में जॉइंट कर देंगे। दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। दोनों शोल्डर को मैंने जॉइंट कर दिया है। इसके बाद आर्मोर में फिनिशिंग करेंगे। आर्मोर में फिनिशिंग के लिए मैंने क्रॉस पट्टी लिया है। टॉप की सीधी साइड हम पट्टी को जॉइंट कर देंगे पहले इस तरह। इसके बाद पट्टी को अंदर तरफ से मोड़ के टॉप स्टिच डाल देंगे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह।
ऐसे ही मैंने दूसरी आर्मोर को भी स्टिच कर दिया है और एक लाइन स्टिच डाल देंगे आर्मोर में। ऐसे ही मैंने दोनों आर्मोर को स्टिच कर दिया है। इसके बाद हमें चोली की दोनों साइड्स को स्टिच करना है। दोनों साइड्स को स्टिच करने वक्त हम कमर में टाई करने के लिए लेस लगा देंगे। इस तरह लेस को रखेंगे और आगे और पीछे दोनों पार्ट्स को एक सीधा और एक उल्टा रख के दोनों साइड्स को स्टिच कर देंगे। आर्मोर से हमें हिप लाइन तक स्टिच डालना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स को स्टिच कर दिया है। अभी हम इसको सीधा रखेंगे। ये देखिए चोली के दोनों साइड्स को मैंने स्टिच डाल दिया है और कमर में टाई करने के लिए लेस भी लगा दिया है। अभी हमें साइड कट को स्टिच करना है, चोली की साइड कट को। इस तरह हम साइड कट को स्टिच करेंगे। इस तरह हमें साइड कट को स्टिच करना है। इसकी साइड और एक लाइन स्टिच डाल देंगे। हम सिर्फ एक लाइन स्टिच भी डाल सकते हैं, मैंने दो लाइन स्टिच डाल लिया है, ये आपकी मर्जी है। ऐसे ही मैंने दोनों साइड्स को स्टिच कर दिया है। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स को स्टिच कर दिया है। अभी हमें नीचे पार्ट को स्टिच करना है डबल फोल्ड करके फिनिशिंग के लिए। इस तरह हम फोल्ड करेंगे और स्टिच डाल देंगे। मैंने चोली के आगे और पीछे दोनों पार्ट की नीचे की तरफ फोल्ड करके स्टिच डाल दिया है। अभी चोली पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इस चोली में हम फ्रंट कट बना लिया है, दोनों साइड भी कट है और फ्रंट में भी कट बना लिया है। पूरी तरह से चोली अभी रेडी हो चुका है। हमने अम्ब्रेला स्कर्ट स्टिच कर दिया है नीचे और चोली बना लिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।